आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेनॉल्ड्स फेनोमेना के बारे में। इसी को रेनॉल्ड्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये खास करके विंटर सीजन में होता है, ज्यादा ठंडा और स्ट्रेस से। रेनॉल्ड्स डिजीज कॉमनली यंग गर्ल्स में होता है। ये एक डिसऑर्डर है जिसके कारण ब्लड सप्लाई कम हो जाता है हमारे फिंगर्स और अपर एक्सट्रीमिटीज में। ऐसे होने का मेन कारण यही है कि हम लोग जब अपना फिंगर या हाथ को एक्सपोज करते हैं ज़्यादा ठंडे में, या जब हम लोग इमोशनल स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं तब यह होता है। एक्सेसिव ठंडा में एक्सपोजर होने से वैसोस्पाज्म होता है। वैसोस्पाज्म होकर लो ब्लड सप्लाई होता है उस फिंगर्स में और एक्सट्रीमिटीज में, जिसके कारण उस फिंगर्स में या उस एरिया में स्किन में ब्लैंच दिखता है, मतलब स्किन वाइट और पेल दिखने लगता है ज़्यादा देर तक, और फिंगर्स इनकैपेबल हो जाता है फाइन मूवमेंट्स के लिए। ब्लैंचिंग, डस्की साइनोसिस और रेड इंगोर्जमेंट हेल्प करता है इस डिजीज को पता लगाने के लिए। रेनॉल्ड्स डिजीज में पेरिफेरल पल्स एकदम नॉर्मल होता है। रेनॉल्ड्स फेनोमेना एक्सेसिव कोल्ड एक्सपोजर और स्ट्रेस के कारण तो होता ही है, साथ में कुछ और कंडीशंस है जिसके कारण ये होता है, जैसे कि स्क्लेरोडर्मा, जोग्रेन सिंड्रोम, एथरोस्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, बर्गर्स डिजीज, बीटा ब्लॉकर्स, डायरेक्ट आर्टेरियल ट्रॉमा, न्यूप्लेशिया, ये सब भी रिस्क फैक्टर हैं रेनॉल्ड्स फेनोमेना कराने में। ट्रीटमेंट में प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, ठंड से बचना बहुत जरूरी होता है। एक्सरसाइज रेगुलरली, इसे क्या होता है, इम्प्रूव होता है सर्कुलेशन, चाहे वो मेडिटेशन हो या योगा हो, जिससे स्ट्रेस भी रिलीफ होता है। यूज ऑफ वैसोडायलेटर ड्रग्स, जैसे कि BP का दवा सब है। आर्टेरियल वाल को रिलैक्स करके ब्लड फ्लो को स्मूथ कर देता है। एवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ पल्प एंड नेल बेड। ट्रीट कॉजेटिव डिजीजेस, जो जो डिजीज के कारण ये होता है उसको ट्रीट करने से भी ये कंट्रोल होता है। सिम्पैथेक्टोमी,